इतने 4000 बंदे का लंगर बनता है तो असं सवेरे 6 बजे बनाना शुरू करते हैं, 11:30 बजे तक बना के तैयार हो जाता है। उस तो बाद फिर साढ़े को गड्डी आती है DM की, वो ले जाती है। हर दिन नई चीज़ बनाते हैं, कदे कढ़ी हो गई है, कढ़ी चावल, तो राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, तो जोड़े भी आइटम सूँ ठीक लगता है तो असं बना के भेज दें। ये मतलब कि दो टाइम 4000 बंदे तो तैयार हो जाता है, एक टाइम तो 2000 बंदे तैयार होता है। जिहड़ी डिमांड आ जाती है, जिहड़ा भी दिल करता है खाने तो वो असं तैयार कर दें, करके दे देंगे। मेरा नाम दिलीप है जी, मैं 11 बजे यहाँ से खाना लेने हम लोग जाते हैं। मेरा नाम दिलीप है, यहाँ खाना टाइम दोनों टाइम आता है, मॉर्निंग में 11 बजे आ जाता है और शाम के टाइम में 7 बजे तक आ जाता है। हम लोग दोनों टाइम जाके लेके आते हैं, खुद सेफ्टी से हम लोग बांटते हैं लोगों को, अंदर बाहर जो भी जितने पब्लिक होती है हम लोग खाना देते हैं। मेरा नाम सुखिंदर कौर है, इतने 10 दिन तो सेवा चल रही है। वाहगुरु ने जो भी सोची पाई है उस तरह लंगर चल रहा है। 100-150 बंद का लंगर बनता है। अजय इनकलेव मीनाक्षी गार्डन गुरुद्वारा सिंह सभा से जाता है, 100-150 बंद का लंगर इतों बन के रोज जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम पूजा कौर हैगा, तो बाबा जी की कृपा नाल सेवा चल रही है लॉकडाउन विच, तो इन्हों 36 डेज हो गए सानू सेवा करते करते। असी सेवा साड़ी सिंह सभा गुरुद्वारे ते शुरू होंदी है लंगर ती, तो लंगर प्रसाद असी देंदे है 1 बजे, तो 200 बंदों का असी करते हैं इत्थे। तो साड़ी शामी सेवा होंदी है दूध दी, ता चावल तो आटे दी, राशन दी सेवा, जिन्ना लोड़वंदा लोग हैं उन्होंने पहुँचाने वास्ते। तो मैं और लोगों ने भी कहना चाहती है कि वध तो वध आके सेवा करे, अपना दशवंत जरूर लोड़वंदा लोग वास्ते जरूर करे। तो साड़ी है कि जद तक लॉकडाउन है असी सेवा पूरी फुल करेंगे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अजय इनकलेव वालों, सनातन धर्म मंदिर अजय इनकलेव वालों बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता उन्होंने सारे लोगों का जिन्होंने इन्होंने लंगरों में इन्होंने महान सेवा में अपने योगदान पाए ने, चाहे वह माया राही हो, रसद राही हो, चाहे वह हथी सेवा की हो, क्योंकि उन्होंने भुखिया उन्होंने मूँह लंगर पाया है, वो योगदान पाया है। अगे भी क्योंकि लॉकडाउन हूँ होर अगे बढ़ गया 15 दिन वास्ते, मैं अगे भी दोबारा सारे उन्होंने बेनती कराँगा कि जिन्होंने पहले भी हिस्से पाए हैं जी सेवावान ने, उन्होंने भी बेनती है कि दोबारा वो अपने दिल खोल के इन्होंने लंगरों में इन्होंने सेवावान में अपने हिस्से पाण, ताकि जी जी महान सेवा चल रही है, जी गरीबों गुरबियों जो जिन्होंने पेट भरे जा रहे हैं, रात का और दिन का लंगर मिल रहा है, उन्होंने लंगर इसी तरीके चलता रहे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रभु की असीम कृपा से श्री गुरुद्वारा सिंह सभा अजय इनकलेव और श्री सनातन धर्म मंदिर अजय इनकलेव की ओर से भगवान की कृपा से लंगर का काम चल रहा है। मेरी जिम्मेवारी इसमें रसद की लगी हुई है, लोगों ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब लोग दे के जा रहे हैं, नगद भी और रसद भी, उसी हिसाब से सारा अकाउंट मेंटेन कर रखा है। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, सारी इस चीज़ की जिम्मेवारी मेरी है, कितना माल बनना है, क्या बनना है, क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। ग्यारह बजे लंगर जो है दोपहर का लंगर है, सवेरे 11 बजे उतों आते हैं और इतों लंगर लैके जाते हैं, उस तो बाद शाम का लंगर जोड़ा है वो भी नाल लैके जाते हैं। तो जब सेवा से शुरू की 27 तरीक में सानू अगले दिन ही साढ़े जोड़े इलाके के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने थ्रू SDM के थ्रू सानू मैसेज आया कि जी डेली वेजर्स ने जी लेबर जी दिल्ली रुक गई है, जी दिल्ली तो बाहर नहीं जा पा रही, उन्होंने दिल्ली सरकार ने वक् वक् स्कूलों में रख्या होया, तो उन्होंने वास्ते भी लंगर की लड़ पै रही है। तो उन्होंने वालों भी सानू बेनती आई, रिक्वेस्ट आई कि भी इस गुरु घर तो उन्होंने लंगर ही बना के दिता जाए। सो लंगर का बनाना सिलसिला बताया गया,
मॉर्निंग में 11 बजे आ जाता, शाम को 7 बजे चालू हो जाता। बाहर के लोगों को भी जो लोग रहते हैं उनको लिए अलग से हम लोग करवा देते हैं, बाहर की साइड उनको अलग बांटा जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सवेरे शाम सारी टीम गुरुस्थान इकट्ठी होती है, पूरा मॉनिटर करती है, पूरी जड़ियाँ कोई कमी आए या कोई दिक्कत आती है उन्हें बैठ के सारे विचार करके हल करते हैं। तो एक टीम वर्क चल रहा है, टीम वर्क में बड़ा अच्छे एफर्ट नाल लंगर चल रहा है। तो नाल मैं एक बेनती करना चाहवागा सारिया जिहड़ियां सिंह सभावां ने या जिहड़ियां भी मंदिर गुरुद्वारे हैगे ने कि असी बेसिक देखिया कि जिहड़े भी मंदिर गुरुद्वारियां दे जिहड़े स्टाफ होंदे ने, जिहड़े भाई होंदे ने या पंडित होंदे ने, उन्हां नूं बेसिक सैलरी देने असी बड़ी थोड़ी देने आ, और उन्होंने बाकी जरिया जोड़ा है वह गुरुद्वारे जी चढ़त आती है या अरदास भेट आती वो उन्होंने मिलती है, क्योंकि तो पिछले काफ़ी टाइम तो मंदिर गुरुद्वारे बंद ने, तो सिर्फ बेसिक सैलरी बड़ी मामूली जी उन्होंने मिल रही थी। सो असी डिसाइड किया अपनी कमेटी वालों कि जोड़े साढ़े गुरुद्वारे स्टाफ ने, जिन्हें भी साढ़े गुरुद्वारे स्टाफ है, उन्होंने इस जी महीने की सैलरी अप्रैल की वो असी डबल करके दे रहे हैं। तो यही अपील मैं सारे गुरद्वारा साहबाना और मंदिर की कमेटियां कराँगा कि यह जरूर ध्यान रखन कि असी पता लगे दुनिया की सेवा करते रह गए हैं, जोड़े अपने साढ़े घर के स्टाफ ने, जोड़े अपने साढ़े गुरुद्वारे के स्टाफ ने, वह बेचारे ऐसा रह गए हैं, उन्होंने ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सो यह सेवा मैं गुरु महाराज चरणे अरदास कराँगा कि यह सेवा जरा इसी तरीके असी मिलजुल के करते रहिए और गरीबों का जोड़ा भी जोड़े भी नीडी ने जरूरतमंद ने उन्हों जोड़ा है वो पेट भरता रहे। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।